हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय YT चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आपको सितंबर के महीने में कौन कौन से डिवाइसेस में आपको ऑफिशियली MIUI 12.5 बेस्ड एंड्रॉयड 11 का इंडिया स्टेबल अपडेट आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में ये पूरी के पूरी फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि सितंबर के महीने में आपको कौन कौन से इंडिया के डिवाइसेस में इंडिया के लिए MIUI 12.5 का इंडिया स्टेबल अपडेट आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा YT चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब जल्दी से मेरा YT चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अपकमिंग अपडेट्स इन सितंबर प्रोबेबली। तो फ्रेंड्स, ये सारी लिस्ट में हमें सितंबर के महीने में इंडिया स्टेबल अपडेट में MIUI 12.5 बेस्ड एंड्रॉयड 11 का इंडिया स्टेबल अपडेट हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे Redmi Note 8 का हमको यहाँ पे नाम देखने के लिए मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, Redmi Note 8 में हमें ऑफिशियली इंडिया के लिए MIUI 12.5.1.0 का यानी कि MIUI 12.5 बेस्ड एंड्रॉयड 11 का इंडिया स्टेबल अपडेट हमें सितंबर के महीने में 100% देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे हमारा Redmi Note 8 चाइना में MIUI 12.5.1.0 का चाइना स्टेबल अपडेट एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड आ चुका है और फ्रेंड्स, इस वाले अपडेट का फुल रोल आउट भी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब हमें ये सेम अपडेट इंडिया में इसी महीने में 100% देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई Redmi Note 8 के, MIUI के 12.5 के और Android 11 के इंडिया स्टेबल अपडेट की। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं Redmi 9 Power की। तो फ्रेंड्स, Redmi 9 Power में हमें ऑफिशियली इसी महीने में चाइना के लिए MIUI 12.5 और बेस्ड एंड्रॉयड 11 का चाइना स्टेबल अपडेट हमें बहुत ही जल्द देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स, हमें ऑफिशियली Redmi 9 Power के लिए एंड्रॉयड 11 का चाइना स्टेबल अपडेट MIUI के 12.0.3.0 के साथ इसमें रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका था और फ्रेंड्स, इस अपडेट का यहाँ पर फुल रोल आउट भी हो चुका था। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमें Redmi 9 Power इंडिया में एंड्रॉयड 11 का स्टेबल अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि फ्रेंड्स, हमें Redmi 9 Power इंडिया में एंड्रॉयड 11 और MIUI 12.5 एक साथ देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब कि अब हमें Redmi 9 Power में MIUI 12.5 का चाइना स्टेबल अपडेट हमें बहुत ही जल्द देखने के लिए मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हम Redmi Note 9 Pro Max की। तो फ्रेंड्स, Redmi Note 9 Pro Max में हमें एंड्रॉयड 11 का इंडिया स्टेबल अपडेट तो हमें बहुत पहले ही देखने के लिए मिल गया था, मगर फ्रेंड्स, उसके बाद से हमें Redmi Note 9 Pro Max में एक भी न्यू स्टेबल अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट नहीं हुआ था। तो फ्रेंड्स, हमें Redmi Note 9 Pro Max में MIUI का 12.0.1.0 का एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड इंडिया स्टेबल अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका था और इस अपडेट में हमें जून का सिक्योरिटी पैच भी देखने के लिए मिल गया था। तो अब हमें Redmi Note 9 Pro Max में MIUI 12.5 प्लस Android 11 का इंडिया स्टेबल अपडेट हमें इसी महीने में 99% देखने के लिए मिल सकता है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं Poco M2 Pro की। तो फ्रेंड्स, Poco M2 Pro में भी Android 11 का इंडिया स्टेबल अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है और फ्रेंड्स, मैंने इसके फुल फीचर्स की वीडियो ऑलरेडी बना दी है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं Poco M2 Pro के MIUI के 12.5 की। तो Poco M2 Pro के MIUI के 12.5 का इंडिया स्टेबल अपडेट हमें इसी महीने में 10% देखने के लिए मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर हमें Redmi Note 9 Pro Max में MIUI 12.5 सितंबर के फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में देखने के लिए मिल जाता है तो वो सेम अपडेट Poco M2 Pro में हमें थर्ड वीक और फोर्थ वीक में देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर हमें Redmi Note 9 Pro Max में MIUI 12.5 सितंबर के थर्ड वीक और फोर्थ वीक में देखने के लिए मिलता है तो Poco M2 Pro का MIUI 12.5 हमें अक्टूबर के महीने में देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं Redmi Note 9 Pro की। तो फ्रेंड्स, अगर आप Redmi Note 9 Pro के यूज़र हैं तो फ्रेंड्स, आपके लिए यहाँ पे बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के सामने आ चुकी है। तो Redmi Note 9 Pro Max में हमें
MIUI 12.5 का इंडिया स्टेबल अपडेट हमें इसी महीने में 100% देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि हमें Redmi Note 9s में यूरोप स्टेबल में MIUI का 12.5.1.0 का 856 MB में रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका था, और ये सेम अपडेट हमें रशिया में भी रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका था। तो फ्रेंड्स, अब हमें Redmi Note 9 Pro इंडिया के लिए MIUI 12.5.1.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट बिल्कुल रेडी है, और उस अपडेट को हमें सितंबर के फर्स्ट वीक और सेकंड वीक तक 100% रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये बात हो गई Redmi Note 9 Pro की। तो अब हम बात कर लेते हैं Redmi K20 की। तो फ्रेंड्स, अगर आप Redmi K20 के यूज़र हैं तो फ्रेंड्स, Redmi K20 में हमें ऑफिशियली इंडिया में MIUI 12.5 बेस्ड Android 11 इंडिया स्टेबल अपडेट हमें इसी महीने में 100% देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये भी एक ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, क्योंकि हमें Redmi K20 में चाइना स्टेबल में MIUI का 12.5.1.0 का चाइना स्टेबल अपडेट देखने के लिए मिल चुका है। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट हमें 26 अगस्त को रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका था। तो अब ये सेम अपडेट हमें इंडिया में इसी महीने में बहुत ही जल्द देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से डिवाइसेस के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं आई है। तो हमारे पास अभी तक पोको M3, पोको C3, रेडमी 9 और रेडमी 9 की MIUI के 12.5 और एंड्रॉयड 11 की यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन निकल के सामने नहीं आई है। तो फिर फ्रेंड्स, पोको M3 में तो हमें Redmi 9 पावर में जब इंडिया में MIUI 12.5 एंड्रॉयड 11 मिलेगा, तो हमें वो सेम अपडेट पोको M3 में 10 दिन के बाद देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, पोको M3 में आप लगा लीजिए कि पोको M3 में हमें अक्टूबर तक MIUI 12.5 बेस्ड एंड्रॉयड 11 का स्टेबल अपडेट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, बाकी के डिवाइसेस के लिए यहाँ पे अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है पोको C3, रेडमी 9A, रेडमी 9 की। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की फुल वीडियो कि हमें सितंबर के महीने में इन सारे डिवाइसेस में ऑफिशियली MIUI 12.5 बेस्ड एंड्रॉयड 11 का इंडिया स्टेबल अपडेट देखने के लिए मिल सकता है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की फुल न्यूज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप एक वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप मेरे YT चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरा YT चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।